ये सब क्या है? क्या हुआ दीदी? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? भाई मैंने तो तुझे अभी एक थप्पड़ ही मारा है। तूने इतना अच्छा काम जो किया है, मुझे लगता है कि तुझे मार मार के तेरा गाल लाल कर दूं। दीदी मैंने ऐसा क्या किया है? तू ये बता ये सब क्या है? दीदी इनका तो ये आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर है, आपका सिलेक्शन होगा और आपने बताया तक नहीं। अरे मुझे खुद नहीं पता था। दीदी ये तो मेरा आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर है और आपने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा, ये तो खुशी की बात है। दीदी ये आपको किसने दिया? मुझे कहीं से भी मिला हो तू आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, दिमाग में बैठा ले अच्छे से। दीदी ये तो खुशी की बात है, तुम्हें तो कुछ मीठा बना के खिलाना चाहिए मुझे और आप मुझे मार रही हो। दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, आप आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे। पर मैं आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? आर्मी ज्वाइन करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चे का क्या होगा, आपने सोचा है कभी? भाई तू मेरा इकलौता भाई है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आप आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। दीदी आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका भाई देश की सेवा में जा रहा है, आर्मी ज्वाइन कर रहा है। दीदी मुझे ये तो नहीं पता है मेरे आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरी जान जाएगी या बचेगी, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बहन और मेरी बीवी को लोग सलूट जरूर करेंगे कि आप एक आर्मी वाले की बहन और बीवी हैं। अगर सभी की बहन और बीवियों ने ऐसा सोच लिया होता ना, आज अपने देश और घरों में हम सुरक्षित नहीं होते। अगर हमारे देश का हर नागरिक ऐसा ही सोचने लग गया ना, तो कोई भी आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा। दीदी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने देश के काम आऊं। भाई तू ठीक कह रहा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना। आज ही हम अपने मोहल्ले में मिठाई बंटवाएंगे और तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दीदी। ओके डन ब्रो।